ओम नमः सिद्धेभ्यः। जो बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। सरस्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्ना मृसुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिंदवा ईसाई नाह। ये सर्वे जिन सिद्ध सुर नुक्ता हस्ते पाठ कह साधवा सुत्या योग जनैश्च पंच गुरवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयम पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनार्जुन प्रत्युक्तो भवर्ग प्रदाह। धर्मः सूक्ति सुधा चैतन्यमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्नमी कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु मे मंगलं। नाभेयादिदिनादिपार्श्वे भुवनख्याता चतुर्विंशतिः श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रिणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णुलाङ्गलधराः सप्तोत्तरा विंशतिः स्त्रैकाल्ये पुरुषास्य पुषाः कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु मे मंगलं। देव्यो शोचदयाधिका गुणता विद्याधिका देवता श्रीतीर्थंकर मातृकाश्च जनका यक्षाश्च यक्षस्तथा द्वात्रिंशत्तिदशाधिपाश्चतुरादिकन्यका चाष्टधा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु मे मंगलं। ये सर्वौषधिरिद्या तपसो वृद्धिङ्गता पञ्चये ये चाष्टाङ्गमहानिमित्तकुशलायोष्टो विधाश्चारणाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलार्चिता गणव्रता कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु मे मंगलं। कैलासे वृषस्य निर्वतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैलेरतां शेषाणाम विचोजयन शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विवाह कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु मे मंगलं। ज्योतिरभ्यन्तर्भावनामरग्रहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूशाल्मलिचैत्यसाक्षि तथा वक्षाररूप्यादिषु इस्वाकार गिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु मे मंगलं। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवलज्ञानभाग् यः कैवल्यपुरप्रवेशमहिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणानि चतानि पंचशततम कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु मे मंगलं। इत्थं श्री जिन्मंगलार्षकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणयसुमहो सभे सुदयस्ति शंकराणां मुसाः। ये शृण्वन्ति पठन्ति ते सुजनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीदासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलार्षक स्त्रोत्रम। सभी लोग केश से तिलक लगा लें, हाथ धो लें, जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्भत निर्जन यही है त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नवन मय जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते जले नपते ज्यामी नमो रते स्वाहा। उदग चंदन चंदन पुष्प कही चरस दीप सुरूप पुलार की गई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रह जिन आत्मा है मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यन्द्र पामी ती स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयू जल तो आदि लिए अमल है इस नाल के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मुझ वचन छे सत रसो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुधू भुफलार की कही धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रव पामी ती स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर्य पूर्ण दिख चुका है हे नारी आप अब से के करूँ रुचि थे मेरे वचन ते देख साय नम हो। ओम ह्रीं त्रीं क्लीं मैं मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा।
उदग चंदन दंडल पुष्प कही चरस दीप सुध बफलार के कही धवल मंगल गानन वाकुल जिन ग्रह जिन्नात्मा में जय ओम रेम श्री जिनेन्द्राय नमार्ग नृपामी ते स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्ट कर तृप्तकारी संत अब दूर कर एकांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़े इसी से ओम रीम श्रीम क्ली में वरम हम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुफलार की कही धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रह जिनात्मा मजे ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामी ति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सदांग किरणों सम कांतिधारे ये दूध तमरसायन विश्व में है हे नाथ शीरघट से अब से करके मैं काम दे तुम आक्षित प्राप्त कर लूँ ओम रीम श्रीम क्ली में मरम हम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुफलार की कही धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रह जिनात्मा मिजे ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामी ति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की दिया एकत्रित हुई का चीरो हुआ बरसमी अति मंगली के दस्य अब से करके तो लोग मंगलमय ने सो के पाऊँ ओम रीम श्रीम क्ली में मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अब से कम करोमी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुफलार की कही धवल मंगल गान बाहुकुले जिन ग्रह जिनात्मा मजे ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामी ति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर सुचंदन आदि नाना सुगंध भरवस मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग रे दुख रो नमन में ओम रीम श्रीम क्ली में वरम त्रुवन पते सर्वौषधि अब से कम करोमी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुफलार की कही धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रह जिनात्मा मिजे ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामी ति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका आप से करके पा जाऊँ सिग्न के सुचतुष्टियों को ओम राम रीम रूम रोम राशियाव नमोरते भगवते मंगलोत्तम कर्णाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुफलार की कही धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रह जिनात्मा मिजे ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामी ति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य प्रचंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन में विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लूँ निज के गुणों की नाथ आप गुण सौरभ विश्वव्यापा ओम रीम श्रीम क्ली में मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुफलार की कही धवल मंगल गान रवा कुल जिन ग्रह जिनात्मा मिजे ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामी ति स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमी नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित प्रतिदिन महदारिण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाह महाराज कम तुभरोमी इति मंगल आरती अवतरण। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुफलार की कही धवल मंगल गान रवा कुल जिन ग्रह जिनात्मा मिजे ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामी ति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलायली ने गंदा मुसन्नित करूँ अब से कृपा कवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ ओम रीम श्रीम क्ली में वरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जले पूर्ण कल से नपे जामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुफलार की कही धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रह जिनात्मा मजे ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामी ति स्वाहा। शांति धारा होगी झारी हाथ में ले लें अभय जैन का शादी की वर्षगांठ है अभय जैन लखनऊ झारी ले लीजिए सब लोग हाथ लगा लें।
और इधर से एक झारी ले लो, झारी और दे दो पुजारी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चलिए शांति प्रारंभ हो रही है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षीणाशेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वपापप्रणाशनाय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोगोपसर्गविनाशनाय सर्वपरकर क्षुद्रपद्रविनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं रूं रौं रा अरमस्या उस नमः। मम चा गढ़नी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंगस्य आज के शांति धाराकर्ता अभय कुमार जैन, श्रीमती संजुला जैन, इंदिरा नगर लखनऊ निवासी, 30वीं शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष में श्री अरुण काला स्वास्थ्य लाभ हेतु कलकत्ता, जितेंद्र फूलचंद साह जन्मदिन एवं स्वास्थ्य लाभ ओपन हार्ट सर्जरी है उसके हेतु पूज्य माता जी का मंगल आशीर्वाद, पूना निवासी सपरिवार संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय श्रीमती सुरभि जैन, अंतिमा निकुंज, श्रीमती अनामिका निकुंज, दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली, श्री जे के जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधु ऋचा जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाश चंद जैन सराफ चौक लखनऊ, सुभाष चंद, श्रीमती सुषमा जैन, शुभचंद क्षमा जैन, सुयस नेहा जैन, टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन के पुत्र वीर कुमार राजन अकलंक निकलंक जैन टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंसू जैन, पुत्रवधु श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप संजीव अनुपम नविता जैन सीतेवाला परिवार प्रयागराज, विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, अंकुर श्रीमती स्तुति जैन आगरा, जेसी जैन हरिद्वार, जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगीतुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवल नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवल नासिक, डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराज, श्रीमती सुजाता निरंजन झा पुणे, विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्धनी सभा लखनऊ, अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन मॉडल टाउन, अनिल जैन प्रीत विहार, विजय जैन, जिनराज जी जैन राजपुर रोड, विजेंद्र जैन जमुनापार, श्रीमती सुरंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन भरत ज्ञान स्थली बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली, श्री अतुल जैन, राधा जैन, आयुष जैन टिकैत नगर, दीक्षार्थी बहने श्रीमती शोभा पहाड़े श्रीरामपुर, कुमारी इंदु जैन टिकैत नगर, कुमारी अलका जैन टिकैत नगर, कुमारी श्रेया जैन फिरोजाबाद, श्रीमती मधुबाला जैन सनावत, श्रीमती राजबाला जैन दिल्ली, श्रीमती रेखा जैन दिल्ली, दीक्षार्थी शोभा शरद पहाड़े, विकास सौ पद्मा पहाड़े, प्रसन्न सौ मिली, आशीष सौ रोशनी, चिरंजीव हर्ष जिया दूरा सपरिवार से, डॉक्टर अनिल गंगवाल सौ मंगला गंगवाल सपरिवार से, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय जैन सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर कर परिवार देवलगांव राजा बुल्डाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छावड़ा दक्षा मैराराम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मकमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनक्लेव दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली, राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा निवासी, विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव कांक्षा जैन चितिज प्राची जैन नितिन आर्यव जैन स्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना संजय जैन श्रीमती बबीता श्रेयांश स्मृति दिशा जैन गोरखपुर, मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन
श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरियंत, पार्थ, मयंक, धनावत, कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत जैन, पुत्र नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन, लाजपत नगर नई दिल्ली, सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुभी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रीतु जैन, धर्मपत्नी सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, अजीत कुमार अजमेरा, धनालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सोगानी जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार अखत, संजना, सिद्धार्थ, रीतु जैन सिविल लाइन दिल्ली निवासी सपरिवार, श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद, स्वर्गीय सुकमाल चंद जैन मुजफ्फरनगर की पुण्य स्मृति में ब्रह्मचारिणी कुसुम अम्मा के द्वारा, डॉक्टर आई एल जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर, मनीष, बिंदु, तन्वी चित्तौड़ा, उदयपुर, गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु, संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन, गुरुग्राम हरियाणा, अंशु जैन, पुत्र उज्ज्वल जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमती प्रमिला जैन, बादशाहपुर, पवन कुमार, शारदा, प्रिंसु, मृदुल, सुभी जैन, संगीता, राजेश जैन नेपालगंज, श्रीमती कमलाबाई, धर्मपत्नी अशोक जर्मन, पूर्व महापौर, समस्त परिवार नागपुर, मनोज जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, पुत्र श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन, गुरुग्राम, एरोन जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमती नेहा, रोबिन जैन, पुत्री अवनी जैन, मानसरोवर जयपुर निवासी सपरिवार से, अलका नवीन जैन पहाड़गंज दिल्ली निवासी सपरिवार से, सरता उमेश जैन चौड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवार से, सर्व पूज का नाम, सर्वभक्त का नाम, सर्व ज्ञानावरण कर्म बिंदी, सर्व दर्शनावरण कर्म बिंदी, सर्वेदनी कर्म बिंदी, सर्व मोहिनी कर्म बिंदी, सर्व आयु कर्म बिंदी, सर्व नाम कर्म बिंदी, सर्व गोत्र कर्म बिंदी, सर्व अंतराय कर्म बिंदी, सर्व क्रोधम बिंदी, सर्व मानम बिंदी, सर्व मायाम बिंदी, सर्व मोहम बिंदी, सर्व लोभम बिंदी, सर्व रागम बिंदी, सर्व द्वेषम बिंदी, सर्व गज व्यम बिंदी, सर्व सिंह व्यम बिंदी, सर्व अग्नि व्यम बिंदी, सर्व सर्प व्यम बिंदी, सर्व युद्ध व्यम बिंदी, सर्व सागर नदी जल व्यम बिंदी, सर्व जलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादि व्यम बिंदी, सर्व निगडादि बंधन व्यम बिंदी, सर्व आश्वयान दुर्घटना व्यम बिंदी, सर्व आयुयान दुर्घटना व्यम बिंदी, सर्व चतुष्चक्र का दुर्घटना व्यम बिंदी, सर्व त्रिचक्र का दुर्घटना व्यम बिंदी, सर्व द्विचक्र का दुर्घटना व्यम बिंदी, सर्व आश्वदानी विस्फोटक विषाक्त वाष्प चरण व्यम बिंदी, सर्व भूकंप दुर्घटना व्यम बिंदी, सर्व विद्युत दुर्घटना व्यम बिंदी, सर्व भूत पिशाच व्यंतर डाकिन शकिन्यादि व्यम बिंदी, सर्व धनानि व्यम बिंदी, सर्व व्यापारानि व्यम बिंदी, सर्व राज व्यम बिंदी, सर्व चोर व्यम बिंदी, सर्व दुष्ट व्यम बिंदी, सर्व शत्रु व्यम बिंदी, सर्व सांप्रदायिक उद्देश्यम बिंदी, सर्व शोक व्यम बिंदी, सर्व वैरम बिंदी, सर्व दुर्भिक्ष सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरात वीर वर्धमान नाम अलंकृत श्री महावीर जिन शासन प्रभा सर्वे जिन भक्ता सुखन भवंतु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम आद्यानामादे जम्बूदीपे मेरोड दक्षिण भागे भरतक्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वत तीर्थ अयोध्या नाम नगरे वीर निर्वाण सम्मत 2550 तमे मासोत्तम मासे आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे दशमी तिथौ मंगलवासरे इंद्रध्वज महामंडल विधान अवसरे आष्टानिक महापर्व अवसरे विधिमान अयम शांति धारा सर्व देशे राज्य राष्ट्रे पूरे ग्रामे नगरे सर्व मुनि आरिका श्रावक श्राविकाणाम चतुर्विध संघस्य मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य सर्व पूजकानाम सर्व भक्तकानाम सर्व शांतिम करोतु मंगलम तनोति इति स्वाहा।
हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयसा कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु कुरु स्वार्थम कुरु कुरु सर्वारिष्ट करे दिनन कुलेन कुले कदली गात मणम गाते गाते आयुर्ध रागे द्रागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीम त्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रथमायामस्तकोपरि शांतिदारं करोमीति स्वा चतुर्विध संगस्य मम चा गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंगस्य सर्वपूजकानां सर्वभक्तकानां सर्वशांतिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु आरोग्यलाभं कुरु कुरु वसेत् स्वा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र उदक चंदन तांदुल पुष्प कई चरसु दीप सुधूप फलार्घ कई दबल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महामुजे ओम ह्रीं त्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो अनर्पत प्राप्ते अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा अयोध्या में जन्म लेने वाले आदिनाथ जी अजितनाथ जी अभिनंदननाथ जी सुमतनाथ जी अनंतनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अनर्पत प्राप्ते अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा ओम ह्रीं तीर्थंकर शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अनर्पत प्राप्ते अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय धरणेन पद्मावती सहिताय अनर्पत प्राप्ते अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा ओम ह्रीं जम्बुदीप हस्तिनापुर कमल मंदिर में विराजमान अतिशयकारी मनुहारी भगवान महावीर के चरणों में अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा ओम ह्रीं चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी कामदेव भगवान बाहुबली स्वामी के चरणों में अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा परम्पराचार्यों के लिए गर्ग ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी वीर सागर जी शिव सागर जी धर्म सागर जी अजीत सागर जी श्रेयान सागर जी अभिनंदन सागर जी वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य रत्न अनेकांत सागर जी वर्तमान में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि लोक में विराजमान है तीन कम नौ करोड़ मुनिराज सहित सभी के चरण अरविंद में अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। जय लोर ऋषभ देव भगवान की जय। भगवान का आज विशेष अभिषेक दूध से किया जा रहा है। हमारे संघस्थ हारिका स्वर्णमती माता जी का आज 13वां दीक्षा दिवस है। इस उपलक्ष्य में भगवान ऋषभ देव भगवान जो अयोध्या के मूल नायक भगवान हैं उनका अभिषेक ऊपर से कर रहे हैं डॉक्टर जीवन प्रकाश जी। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्राव द्राव नमो रते भगवते श्रीमते परम पवित्रतर दुग्धेन दिनमं सेचयामि स्वाहा। आज हारिका स्वर्णमती माता जी आ जाएं। आज इनका दीक्षा दिवस है। आज से 12 साल पहले जम्बूदीप हस्तिनापुर में आषाढ़ शुक्ला दशमी के दिन ही उस दिन 29 जुलाई थी और पूज्य माता जी के कर कमलों से दीक्षा प्राप्त करके 29 जून आषाढ़ शुक्ला दशमी सन 2012 में दीक्षा धारण करके ब्रह्मचारिणी स्वाति से नाम प्राप्त किया था हारिका स्वर्णमती जी। और ये नजीबाबाद उत्तर प्रदेश जो बिजनौर ज़िले में है वहाँ की निवासी थी। और श्री शीतल प्रसाद जी जैन सरोज जी जैन की सुपुत्री कुमारी दीपा जैन के नाम से रहीं। संघ में आने पर इनका नाम स्वाति जैन रखा गया और 2 प्रतिमा 7 प्रतिमा के व्रत लेकर के अपने जीवन का उत्थान करती रहीं। लौकिक शिक्षा को भी इन्होंने दरकिनार करके आध्यात्मिकता की ज्योति जलाने के लिए हस्तिनापुर की पावन धरा पर दीक्षा प्राप्त करके हारिका स्वर्णमती नाम प्राप्त किया। आज इस दीक्षा दिवस पर इनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है।
न्यायसार नाम के ग्रंथ को पूज्य माता जी ने प्रदान किया है। खूब इसी तरह इसका स्वाध्याय करके आत्मा के साथ जो सच्चा न्याय चल रहा है उसमें दृढ़ता प्राप्त करें, यही बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद प्रतिबंधामी। चलिए पूज्य माता जी को एक करके चलाइए और कंधों तक ले आए। हाँ पीजी पीजी कमंडल अभय जी आ जाइए, आ जाओ अभय जी। पीजी कमंडल माता जी को आज इनका भी इनकी शादी की वर्षगांठ है। अभय जैन और इनकी धर्मपत्नी का संजली जैन का नाम है संजली आए और पूज्य माता जी के चरणों में अर्घ चढ़ाकर आशीर्वाद लीजिए। संजुला जैन, वीरेंद्र कुमार जी जैन टिकैत नगर के सुपुत्र अभय जैन। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन। ओम रीत भारत गौरव देवी शक्ति गणिनी प्रमुख कार्यकार श्रीमणिषि ज्ञानमती माता की चरणों में अर्घम निर्पामिति स्वाहा। अभय कुमार जैन श्रीमती संजुला जैन इंदिरा नगर लखनऊ से आए हैं, टिकैत नगर के मूल निवासी हैं, वीरेंद्र कुमार जी के सुपुत्र। आज इनकी शादी की 30वीं वर्षगांठ है। इस अवसर पर अयोध्या तीर्थ की वंदना और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता का आशीर्वाद लेकर के अपना नया साल, दाम्पत्य जीवन का नया साल खूब मंगलमय करें, यही मंगल आशीर्वाद है। इनके सुपुत्री भी आई हुई हैं जिनका विवाह हो चुका है, आ जाओ। 29 साल पूरे हो गए, 30 पूरे हुए तब तो 31वीं हो गई, 31वीं वर्षगांठ है। श्रीमती तारा देवी और वीरेंद्र कुमार जी के सुपुत्र हैं और स्वामी जी के चाचा जी के पौत्र हैं। इनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है, खूब दाम्पत्य जीवन अगला साल मंगलमय हो। इसका क्या नाम, इनके श्रीमती श्रेया जैन इनकी सुपुत्री हैं, ये भी आज आई हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद है। चलिएगा, इंद्रध्वज महामंडल विधान का कार्यक्रम भी चल रहा था है। मुख्य रूप से श्रीमती शोभा शरद पहाड़े और उनकी दीक्षा के अवसर पर श्री विकास जी, पद्मा जी पहाड़े, अनिल जी गंगवाल, ये सब लोग मिलकर के विधान को कर रहे हैं, इंद्रध्वज विधान को। सभी दीक्षार्थी बहनें भी इसमें भाग ले रही हैं। भोपाल मध्य प्रदेश से आए हुए हमारे डॉक्टर देवेंद्र कुमार जी शाह, आज़ाद जी शाह, जरत कुमार जी जैन पूर्व न्यायाधीश आदि सभी लोग विधान में बैठकर खूब अच्छा भाग ले रहे हैं। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः। पुनश्च नंदीसर पर्व में आज आषाढ़ शुक्ला 10वीं है, मंत्र का उच्चारण करेंगे आज नंदीश्वर पर्व का तृतीय दिवस। ओम ह्रीं त्रिलोकसार संज्ञाय नमः। ओम ह्रीं त्रिलोकसार संज्ञाय नमः। पद्मात्माओं, आज के दिन जो विधिवत आष्टानिक व्रत करते हैं उनके लिए आज विधान है पानी भात लेना। अष्टमी को तो उपवास, नवमी को एक आसन और आज 10वीं को पानी और भात लेना मात्र एक बार। उसका फल क्या है, 60 लाख उपवास का फल है। एक बार पानी भात लेकर के भी फल 60 लाख उपवास का है,
यह है पर्व दिनों की महत्ता। अब आप चलेंगे नवनिधि व्रत की ओर। ओम रिवरम सप्तदश तीर्थंकर पद प्राप्त। ओम रिवरम षोडश सप्तम सप्तदश तीर्थंकर पद प्राप्त। श्री कुंथनाथाय नमः। श्री कुंथनाथाय नमः। नवनिधि व्रत हुआ, नवग्रह शांति व्रत का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीम अरहम बुध ग्रहारिष्ट निवारक। ओम ह्रीम अरहम बुध ग्रहारिष्ट निवारक। श्री मल्लिनाथ जिनेन्द्राय नमः। श्री मल्लिनाथ जिनेन्द्राय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ये नंदीश्वर के व्रत मंत्र हुए। अब हम आप और आप चलेंगे जो यहाँ इस नंदीश्वर पर्व में मध्यलोक का विधान हो रहा है, जिसमें जिसका नाम है इंद्रध्वज विधान, जिसमें 458 अकृत्रिम जिन मंदिरों की आराधना उपासना भक्ति की जा रही है। और यहाँ पर 458 जिन मंदिर विराजमान हैं, जिन प्रतिमाएँ विराजमान। ओम ह्रीम मध्यलोक संबंधी। ओम ह्रीम मध्यलोक संबंधी। चतुशताष्ट पंचाशत जिनाले जिन बिंबेभ्यो नमः। चतुशताष्ट पंचाशत जिनाले जिन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीम मध्यलोक संबंधी। ओम ह्रीम मध्यलोक संबंधी। चतुशताष्ट पंचाशत जिनाले जिन बिंबेभ्यो नमः। चतुशताष्ट पंचाशत जिनाले जिन बिंबेभ्यो नमः। पुनश्च हम और आप जिनके शासन में अहिंसा परमो धर्म का पालन करते हुए और अपने मानव जीवन को सार्थक कर रहे हैं, ऐसे भगवान महावीर स्वामी के चरणों में नमन करते हुए ओम ह्रीम श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम श्री गौतम गणधर स्वामी ने नमः। ओम ह्रीम श्री गौतम गणधर स्वामी ने नमः। ओम ह्रीम श्री शांति सागराचार्य परमेश ने नमः। ओम ह्रीम श्री शांति सागराचार्य परमेश ने नमः। ओम ह्रीम श्री वीर सागराचार्य परमेश ने नमः। ओम ह्रीम श्री वीर सागराचार्य परमेश ने नमः। ओम ह्रीम श्री नेमि सागराचार्य परमेश ने नमः। ओम ह्रीम श्री नेमि सागराचार्य परमेश ने नमः। व्यात्माओं, ये नंदीश्वर पर्व जैसा कि आपको भी दिखती है, अनादि है, अनंत है, हमेशा हमेशा से पर चला आ रहा है और होता रहेगा। अनादि निधन नंदीश्वर पर्व, अनादि निधन 16 कारण पर्व, अनादि निधन 10 लक्षण और रत्नत्रय पर्व, ये चार पर्व तो अनादि निधन ही हैं और बाकी बहुत सारे व्रत भी अनादि निधन हैं। व्रतों की परंपरा भी अनादिकाल से चली आ रही है। भगवान श्री नेमिनाथ ने अपने पूर्व भाव में अनेकों प्रकार के व्रतों का अनुष्ठान किया है मुनि अवस्था में, और तीर्थंकर सभी महापुरुष दर्शन प्रसिद्धि आदि भावनाओं को भा करके 16 कारण में अपने जीवन को बना करके तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके धर्म तीर्थ के प्रवर्तक होते हैं। ये ध्यान रखें, अनादि निधन शाश्वत सार्वभौम जैन धर्म, इसके कोई कर्ता नहीं है, इसके कोई निर्माता नहीं है, ये शाश्वत अनादि निधन और ये 160 विदेह क्षेत्रों में आज भी जबकि चला आ रहा है, और पांच ऐरावत में काल परिवर्तन के निमित्त से चतुर्थ और पंचम काल में रहता है। शेष भोग तीन काल में भोग भूमि और तीन काल में कर्म भूमि की व्यवस्था होती, छठे काल में धर्म नहीं रह जाता है। बद्यात्माओं, हम और आप आज भाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं, जो इस पंचम काल में जन्म लेकर भी और अहिंसा परमो धर्म की संस्कृति का निर्वहन कर रहे हैं, अहिंसा परमो धर्म के शासन में जी रहे हैं और अहिंसा परमो धर्म के शासन की प्रभावना कर रहे हैं। ये मंडल विधान अनुष्ठान ये केवल अपने लिए ही नहीं होते हैं, अपने लिए तो महान साथ से
अनंत गुणा पुण्य का संपादन कराने वाले है ही हैं, करने वाले, कराने वाले, देखने वाले, सुनने वाले सबके लिए मंगलकारी होते हैं। और तो क्या, और सारे विश्व के लिए, आबाल गोपाल के लिए, प्राणी मात्र के लिए मंगलकारी होते हैं। अतः यहाँ शास्त्र जन्मभूमि अयोध्या में हो रहा ये महान अनुष्ठान आप सबके जीवन में मंगलकारी हो और सर्वत्र क्षेम और सुविक्ष रहे, अहिंसा परमो धर्म की विजय पताका फहराती रही। इसी भावना के साथ भगवान श्री सबदेव के श्री चरणों में अनंत अनंत नमन करते हुए आज हमारे संघ की आरिका शरणवती जी उनका 13वां दीक्षा दिवस, उनके लिए भी हमारा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इसी प्रकार से वो धर्माराधना जैसे अभी तक निराबाद करती आ रही हैं, करती रहें और स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और हमारे जो अभी अभय जैन अपने विवाह की वर्षगांठ मनाने के लिए यहाँ आए शास्त्र जन्मभूमि अयोध्या में, इनका परिवार भी हमेशा शुरू से धर्म से जुड़ा रहा है और इनके यहाँ से भगवान अजितनाथ का, अजितनाथ की टोंक पर जो 3 मंदिर बन गए हैं वो इन्हीं के परिवार से इनके पिताजी ने बनवाए। हमें गौरव है, प्रसन्नता है कि हमेशा ये लोग धर्म कार्य में स्वामी जी के साथ जुड़े रहे हैं, आगे रहे हैं, कभी पीछे नहीं रहे हैं, ऐसे ही जुड़े रहें, यही उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और यहाँ उपस्थित सभी के लिए, हमारे विधानकर्ताओं के लिए और आचार्य शांति सागर जी महाराज की जो अविच्छिन्न परंपरा चली आ रही है, आज जो मैंने इसमें 8 आचार्य देखे हैं, आचार्य शांति सागर प्रथमाचार्य, पुनः से उनके प्रथम पट्टाचार्य वीरसार से आरिका दीक्षा ली और तब से लेकर के 7वें पट्टाचार्य तक, उसमें हमारे 5वें पट्टाचार्य के जो परिवार के लोग ये विधान अनुष्ठान कर रहे हैं, 5वें पट्टाचार्य की पुत्र वधु हमारी श्रीमती शोभा जैन जो अभी 10वां का व्रत मेरे से लिया है और अभी आगे जो है आरिका दीक्षा के लिए आगे आई हैं, और भी जो दीक्षार्थी हैं हमारी सभी ब्रह्मचारिणी बहनें, सबके लिए भी हमारी यही मंगल कामना है कि इसी परंपरा को दिग्दिगंत व्यापी बनाते हुए आचार्य श्री शांतिसार महाराज की परंपरा निर्दोष अविच्छिन्न आरिकाओं की परंपरा को दिग्दिगंत व्यापी बनाए सबके लिए और आगंतुक सभी सब परिवार के लिए, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। चलो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्य आत्माओं, आचार्य श्री पद्मनंदी स्वामी जिन्होंने पद्मनंदी पंचविंशतिका नाम के ग्रंथ की रचना की और जिस ग्रंथ को पढ़ करके उसे ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान कर दिया, बंद करो, पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी ने उस ग्रंथ को पढ़ करके वैराग्य प्राप्त किया, जिस ग्रंथ को माँ मोहिनी ने महमूदाबाद के अंदर अपने पिता से दहेज में प्राप्त करके और उसे पढ़कर जीवन का सर्वतोमुखी विकास किया, उसके अंदर एक प्रकरण है यति भावनाष्टक, बड़ा सुंदर है, केवल 8-9 श्लोक लेकिन उसके अंदर पूरे मानव जीवन का सार भर दिया आचार्य देव ने। कहते हैं उसमें, लब्ध्वा जन्म कुले सुचौ नरवपु शुद्धाशयं पुण्यतो वैराग्यम च करोति यः शुचिकृतो लोके सैकः कृति तेनैवोजित गौरवेण यदि वा ध्यानामृतं पीयते प्रासादे कलशस्तदा मणिमयो हेमे समारोपिता। संस्कृत का शब्द अर्थ शायद आपको नहीं समझ में आया होगा,
सुकृति से उत्तम कुल में लेकर जन्म श्रेष्ठ तनु सुत पढ़कर वैराग्य पाय सुचि तप करते वे जग में एक महाकृतिवर। यदि वे ही गर्व रहित साधु जब ध्यानामृत को पीते हैं समझो तब स्वर्ण महल ऊपर वे मणिमय कलश चढ़ाते हैं। मानव जीवन के ऊपर ध्यान का मणिमयी कलश मानव जीवन के मंदिर पर शिखर बना करके तपस्या का और मणिमयी कलश का आरोहण करना मतलब उस जीवन का पूर्ण सदुपयोग करना। ध्यान के द्वारा अध्ययन के द्वारा अपने कर्मों को जलाना यही प्रक्रिया करने के लिए मानव जीवन प्राप्त हुआ है। इसलिए कहा सर्वप्रथम तो चारों गतियों में मनुष्य गति का पाना अति दुर्लभ है। मनुष्य गति मिल जाए उच्च कुल का पाना बहुत दुर्लभ। उच्च कुल भी मिल जाए सम्यक दर्शन का पाना अति कठिन होता है। सम्यक दर्शन मिल जावे तो फिर आगे बढ़ना वैराग्य की ओर कदम बढ़ाना ये अपने आप में एक अद्भुत अनोखा कार्य होता है। और वह भी प्राप्त हो गया दीक्षा धारण करना उस जीवन के एक एक क्षण का सदुपयोग करना ये अति दुर्लभ है भव्यात्माओं। इसीलिए कुंद कुंद आदि आचार्यों ने कहा कि इस पंचम काल में जहाँ शरीर बिल्कुल अन्न का कीड़ा बना हुआ है आज भक्ष अभक्ष का ज्ञान नहीं है। अगर किसी से बोलो रात में अन्न का त्याग कर दो अरे माता जी हम तो बहुत देर से ऑफिस से आते हैं नहीं बन पाएगा तो लोगों की ऐसी मानसिकताएं हो गई हैं कि रात दिन भी भोजन करने के बाद भी तृप्ति का अनुभव नहीं कर पाते। ऐसे युग के अंदर एक बार 24 घंटे में एक बार करपात्र में आहार लेने वाले संतों का होना मुनि आरिकाओं का होना ये अपने आप में अत्यंत दुर्लभ बात है जो पंचम काल में आज भी दिख रहा है। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज ने दक्षिण भारत के अंदर जन्म लेकर एक सूर्य की तरह से पूरी धरती पर प्रकाश फैलाया और लोगों को बताया कि आप ये भ्रांति मत रखें कि केवल चौथे काल में ही तीर्थंकर संत या मुनिगण होते थे पंचम काल में भी होते हैं होते रहेंगे अंतिम क्षण तक होते रहेंगे। वीरांगज मुनि तक इस परंपरा को ले जाना है इसलिए संत परंपरा का निर्वाह करने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। जैसे कोई टूटे फूटे मार्ग को बनाने के लिए बिल्कुल अच्छा हाईवे रोड बनाने के लिए परिश्रम करता है उसी तरह से जो मार्ग थोड़ा टूट फूट गया था माने उसके अंदर कुछ शिथिलताएं आ गई थी उन शिथिलताओं को दूर करके मूलाचार के अनुसार अपनी चर्या बना करके और उन्होंने जो हमें संत परंपरा दी दक्षिण से उत्तर में बिहार करके उन्होंने बड़ा उपकार किया संपूर्ण जैन समाज के ऊपर। सम्मेद शिखर की यात्रा करके उन्होंने ये दिखला दिया कि अगर कुंद कुंद आचार्य अपने संघ के साथ गिरनार की वंदना करते थे और उससे जिन जिन शासन की प्रभावना करते थे हम भी कुंद कुंद की संतान हैं। हम भी जिनेंद्र भगवान तीर्थंकर के लघु नंदन हैं। आज सम्मेद शिखर की यात्रा करके ये बता दिया कि हम सब भव्य हैं पंचम काल के अंत तक इस यति परंपरा को ले जाना है और मोक्ष की परंपरा चलती रहेगी। अरे साक्षात ही तो मोक्ष नहीं है क्या चतुर्थ काल में भी जितने लोग दीक्षा लेते थे सभी मोक्ष चले जाते थे नहीं ना। हाँ बस ये था मोक्ष खुला था
लेकिन सारे के सारे दीक्षा लेके उसी समय मोक्ष चले जाते थे, ऐसा नहीं है। तो ऐसे पंचम काल के अंदर मोक्ष का मार्ग बराबर चल रहा है, और जब पुनः चतुर्थ काल आएगा, मोक्ष चालू होगा, उसमें हम आगे हो जाएंगे। तो ऐसी परंपरा को चलाया किसके बल पर? वैराग्यम चकरोति या शुचितपो लोके स एकाकृति। परम वैराग्य भाव को धारण करके शांति सागर महाराज का जीवन चरित्र एक बार जरूर पढ़ना। चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ जिसे लिख करके पंडित सुमेर चंद जी दिवाकर ने भी अपने नाम को अमर कर लिया। वे लिखते हैं आचार्य श्री के अनुभव के आधार पर कि गृहस्थ जीवन में भी न जाने कितने कितने व्रत उपवास और वैराग्य को धारण करके अपने जीवन को दीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार रखते थे। और फिर जब ध्यान में लीन हुए दीक्षा लेने के बाद, तेनई वोज्जित गौरवेण यदि वा ध्यानामृतम पीयते। जब ध्यान के अमृत को पीते हैं तो सामने शेर बैठा है। द्रोणागिरि में हम गए, वो शिला दिखाई गई कि माता जी यहाँ पर आचार्य शांति सागर महाराज आए और वो रात रात बैठ करके ध्यान किया करते थे। शेर आकर के बैठता था और सवेरा होते ही चला जाता था। यानी उनके ध्यान की जो शुभ्र किरणें फैलती थीं चारों ओर, उनका औरा बनता था, उससे शेर को भी क्षण भर के लिए शांति मिलती थी। वरना एक ही दिन आकर के और उन्हें काल कबलित कर लेता, निगल लेता, खा लेता। लेकिन नहीं, ऐसे न जाने कितने प्रसंग आए। पोन्नूर की गुफा के अंदर उन्होंने सर्प के उपसर्ग को सहन किया। असंख्य चीटियाँ एक बार उनके शरीर पर चढ़ गईं, लेकिन महाराज ने हूँ से टू नहीं किया। सोचो, एक चींटी काट लेती है, चाहे कितना सामायिक में लीन हो, वहीं हाथ पहुँच जाता है, वहीं खुजली आने लगती है। और असंख्य चीटियाँ चढ़ गईं। जब सवेरे भव्यात्मा देखते हैं तो कुछ अकल लगाते हैं और कुछ दूर पर चीनी गुड़ रख देते हैं, और धीरे धीरे करके चींटियाँ उधर को आती हैं। तब उनका शरीर साफ किया जाता है, लहू लुहान हो गए। हम चौथे काल के संतों की बात करते हैं, पंचम काल में जो चतुर्थ काल की चर्या जिन्होंने दिखाई, क्या पद्मनंदी आचार्य के शब्दों में वे सच्चे संत नहीं हैं? प्रासादे कलशस तदा मणिमयो हेमी समारोपिता। अपने जीवन के प्रासाद पर, महल पर उन्होंने ध्यान का मणिमयी कलश चढ़ा लिया और अपने जीवन को समुन्नत कर लिया। तो भव्यात्माओं, आज संत परंपरा को जीवंत करने वाले आचार्य शांति सागर महाराज, ब्राह्मी सुंदरी की परंपरा को जीवंत करने वाली ज्ञानमती माता जी, आप कितने ही संतों का स्मरण कर लें, लेकिन अगर दो संतों का स्मरण नहीं किया, मुनियों में आचार्य शांति सागर महाराज, आरिकाओं में ज्ञानमती माता जी, यह हमारी गुरु हैं। इसलिए नहीं, इन्होंने ब्राह्मी सुंदरी चंदन बाला अनंतमती के मार्ग को प्रशस्त किया। बाल ब्रह्मचारिणी कन्याएं इस 100-200-400 साल में दीक्षा लेती नहीं सुनी जाती थी। आचार्य शांति सागर महाराज की प्रथम शिष्या थी आरिका चंद्रमती माता जी, बाल विधवा हुई। हमने भी दिल्ली के अंदर उनके दर्शन किए हैं। 100 साल की होकर के समाधि हुई है, लेकिन किसी कुंवारी कन्या ने दीक्षा नहीं ली। और जब शांति सागर महाराज के दर्शन करती हैं, इन्हें कहते हैं उत्तर की अम्मा, मैंने दीक्षा देने का त्याग कर दिया है, तो अब जाकर मेरे प्रथम शिष्य, प्रथम पट्टाचार्य वीर सागर महाराज से दीक्षा ले लेना। तो दीक्षा ली, आज सैकड़ों सैकड़ों कुंवारी कन्याएं इस मार्ग पर आ गईं। मैं कहती हूँ ये कितनी भाग्यशाली हैं। मैंने भी आज से 35 साल पहले, 36वां साल होने वाला है, हस्तिनापुर की धरा पर जब इनसे दीक्षा ली, तब मैंने माना, हमारे घर के भाई लोग बैठे हैं, घर की सबसे कमजोर कन्या कही जाती थी, लेकिन मेरा विश्वास था कि इस बाल ब्रह्मचारिणी सती का हाथ मेरे मस्तक पर पड़ेगा तो निश्चित रूप में मेरा मस्तक धन्य हो जाएगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। आप सब लोग बहुत ही पुण्यशाली हैं कि आज अयोध्या की धरती पर
और अयोध्या के निकट ही जन्मे, अयोध्या को ही जन्मभूमि मान लो, क्योंकि अयोध्या उस समय 96 मील की थी जब भगवान ऋषभदेव के ज़माने में, उसमें टिकैत नगर लखनऊ बाराबंकी सब आ जाते थे। और वहाँ की जन्मी अभिनव ब्राह्मी का प्रतिरूप ज्ञानमती माता जी के हाथ आपके मस्तक पर पढ़ने जा रहे हैं, ऐसी संत साध्वी ज्ञानमती माता जी सदा जीवंत रहें। आचार्य शांति सागर महाराज और ये ज्ञानमती माता जी पद्मनंदी आचार्य के शब्दों को अपने जीवन में जीवंत करते रहें। आज से 12 साल पहले यही हाथ उस दीपा स्वाति के मस्तक पर पड़े और वो स्वर्णमती बन गई। बड़ी कमजोर सी है लेकिन एकदम चर्या में एकदम दृढ़, केशलोच करती है उस दिन, हालत खराब हो जाती उपवास के मारे,